हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज हम देखने वाले हैं फिग्मा में हम थोड़ा एडवांस लेवल का एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा एनिमेशन सिंपल है, बट आगे वाली आने वाली वीडियो में काफ़ी सारे एनिमेशन की और वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम आज मैं बनाने के वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको उसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। अभी हम इसको स्क्रैच से हम डिज़ाइन करेंगे इसको, बट मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ऑलरेडी मैंने क्या डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये देखिए, ये एक यूज़र की लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। यूज़र्स की लिस्ट है। जब मैंने क्लिक किया, देखिए एनिमेट हो क्या रहा है। देखिए नीचे से एनिमेट हो क्या रहा है, ये इधर से एनिमेट हो क्या रहा है। मैं बैक करता हूँ, ये देखिए यहाँ से बैक किया, बैक बटन पे क्लिक किया तो बैक हो रहा है। बैक बटन वैसे आप ऊपर ऐड कर लेना, यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दी के चक्कर में मैंने नीचे बैक बटन ऐड कर दिया, वो आप ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ 100% पे। देखिए ये यूज़र लिस्ट है, मैंने क्लिक किया, देखिए एनिमेट हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं फिग्मा की एक न्यू फाइल लेता हूँ। फिग्मा मैंने ओपन किया, figma.com मैं ब्राउज़र पर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक न्यू डिज़ाइन फाइल लेते हैं। न्यू डिज़ाइन फाइल पर मैंने क्लिक किया और एक फ्रेम यहाँ से लेते हैं हम, फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद फ्रेम शॉर्टकट एफ एस की, और हम बना लेते हैं आईफोन के लिए हम बना रहे हैं। तो मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसका नाम नेम हम कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफाइल पेज, ठीक है। ये होगी हमारी प्रोफाइल पेज। तो मैंने ये स्क्रीन बना रखी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के सर्विस, ये जो हमारा बार है यहाँ पर हेडर का, ये मोबाइल की जो होता है बार, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया एज इट इज़, ठीक है। अब मेरे को इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। प्रोफाइल पे यहाँ पर क्लिक किया, प्ले बटन पे यहाँ क्लिक किया तो ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको डिज़ाइन करना और डिज़ाइन कर लेना। बाकी मैं इसका फाइल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेटस बार। अब हम यहाँ पर करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। प्रोफाइल्स यहाँ हम कर लेते हैं, यूज़र्स, ऑल यूज़र्स, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको मैं इधर ही रख लेता हूँ अपना वीडियो का। इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 18 पिक्सल, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक कार्ड डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो रूलर आ जाएगा, देखिए ये रूलर आ गया, ठीक है। यहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए इसको, सॉरी, ऑल यूज़र को मैंने यहाँ से अलाइन कर लिया इसको। और अब हमें यहाँ पे एक कार्ड डिज़ाइन करना है, तो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे जस्ट ड्रैग किया, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस हमने कर लिया 12 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं करता हूँ वाइट, ठीक है। इस पर क्लिक किया और इसमें कुछ शेडो ऐड कर लेते हैं यहाँ से। इस शेडो पे यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे मैं इनको एक्स वाई को 0 करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 8 करता हूँ इसका, और यहाँ पे कलर मैं करता हूँ 2323 2323। तो ये हमारा शेडो का कार्ड बन चुका है। शिफ्ट आर से मैं इसका रूलर हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं, अब ये हो गया हमारा कार्ड बॉक्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, इमेज ऐड करनी है मेरे को, ठीक है, ठीक है। अब इसका ये हो गया हमारा, यहाँ पे इमेज प्लेस करनी है। तो मैंने एक अनस्प्लैश प्लगइन है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है अनस्प्लैश की, हम अनस्प्लैश प्लगइन वगैरह और भी प्लगइन्स हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, लास्ट वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हैं, मैंने बना रखी है एक वीडियो कि हम प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। अनस्प्लैश प्लगइन में मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद मैं इस पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर, और एक रैंडम प्रोफाइल पिक आ गई। जब भी आप क्लिक करोगे एक नई पिक्चर मिलेगी मेरे को, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक यूज़र नेम ऐड करता हूँ, इसका नेम हम कर लेते हैं प्रोफाइल पिक। ठीक है, और अब एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करते हैं हम, हनी कोड, ठीक है। और कंट्रोल डी से मैंने इसका डुप्लीकेट किया, थोड़ा नीचे किया, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डेजिग्नेशन ऐड कर लेता हूँ, यू आई सेलेक्ट, यू आई
UX और इसका फ़ोन साइज़ हम कर लेते हैं यहाँ से 16 पिक्सल, या हम इसको कर लेते हैं 14, ठीक है। और इसका कलर हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों को वर्टिकल लाइन सेंटर करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ अपने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी से एक ग्रुप बनाया और इसको कर दिया नेम नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। और इसको आप जस्ट यहाँ पे आने के बाद आप इसको वर्टिकली यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको पहले अपना कार्ड सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ आप, और फिर नेम को पहले आप कार्ड सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ नेम को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ वर्टिकली पे आप क्लिक कीजिए तो ये वर्टिकल लाइन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इससे आप टॉप कर सकते हैं, इससे सेंटर, इससे बॉटम, इससे मैंने सेंटर कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक कार्ड डिज़ाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा हेडिंग होगी, ये हमारा कार्ड हो गया, ये प्रोफाइल पिक्चर और ये नेम है। कंट्रोल जी, तो यहाँ पे कर दिया हमने यूज़र डैश कार्ड, कंट्रोल जी से हमने ग्रुप बनाया, इसका यूज़र कार्ड हो गया, ठीक है। मैंने इसकी कॉपी करी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी प्रेस किया, ठीक है, कंट्रोल डी फिर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वहीं पे प्लेस होता रहेगा जितनी बार आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। एक बार आपको प्लेस करने की ज़रूरत है बस, ये देखिए, ठीक है। तो ये कार्ड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये इमेजेस में शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ सारी, शिफ्ट और क्लिक प्रेस करता हूँ, ये देखिए, इस शिफ्ट कर आपको एक बार प्रेस करना है, आप क्लिक करते रहिए, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। आपको राइट क्लिक करना है, प्लगइन्स में जाना है, अनस्प्लैश में जाना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रैंडमली पिक दे देगा सारी पिक्चर्स, चेंज कर देगा एक ही बार में। थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है क्योंकि लोड लेने में टाइम लेता है, इंटरनेट से लोड करता है, अनस्प्लैश वेबसाइट से। ठीक है, तो इसने ये पिक्चर देखिए लोड कर दी, थोड़ा सा टाइम लिया बट इसने यहाँ पिक्चर लोड कर दी। हर पिक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, ये हमारी बन गई फर्स्ट स्क्रीन। अब हम चलते हैं सेकंड स्क्रीन पर, ठीक है, फटाफट से हम करते हैं सेकंड स्क्रीन डिज़ाइन। ये हो गया प्रोफाइल, ठीक है, ये देखिए ऑल यूज़र हमारे यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। इसकी अब एक डुप्लीकेट बनाना है मेरे को, इसका कंट्रोल डी किया, ये देखिए इसका डुप्लीकेट आ गया। ये होगी प्रोफाइल डिटेल, यूज़र डिटेल कर देते हैं इसका नाम, यूज़र डैश डिटेल्स, ठीक है। इसकी कॉपी कर ली मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से जितने नीचे के यूज़र्स हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया, शिफ्ट के साथ ऊपर क्लिक किया और मैंने इनको कर दिया डिलीट, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, यहाँ पर से मैं इस कार्ड जो है, कार्ड का ये शेडो भी डिलीट कर देता हूँ इसकी, और इस टेक्स्ट को मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस प्रोफाइल पिक्चर को मैं बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ थोड़ा सा, और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर, ठीक है, सेंटर आ गई। और ये टेक्स्ट और ये जो है दोनों, इनको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा ये यूआई यूएक्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर कर दिया, ठीक है। और इस कार्ड को मैंने सेंटर करना है तो ये सेंटर पूरा कार्ड हो गया, इस कार्ड पे क्लिक करके सेंटर कर दिया, पूरा कार्ड सेंटर हो गया। और नेम को सेलेक्ट करके नेम को सेंटर कर दिया और यूआई यूएक्स को क्लिक करके यूआई यूएक्स को सेंटर कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसका कर देते हैं, तो इसका नेम हम कर लेते हैं यूज़र, अबाउट यूज़र, ठीक है, अबाउट यूज़र हो गया। और यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और वो ईमेल का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्किल यहाँ पे सेलेक्ट किया और एक यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर लिया शिफ्ट के साथ, ताकि इक्वल हाइट एंड विड्थ रहे, 70 एंड 70 कर लेते हैं हाइट एंड विड्थ इसकी हम, ठीक है। और इसका कलर मैं करता हूँ यहाँ से ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैंने एक फ़ोन टोसम का प्लगइन भी इंस्टॉल किया है, फ़ोन टोसम आइकन पे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और जस्ट यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया फ़ोन। आपको इतने सारे आइकन मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, आप क्लिक कीजिए, ये देखिए ये आइकन मेरे को मिल गया, ये मैंने यहाँ ड्रैग किया ऊपर, ये फ़ोन ऑल्ट ये फ्रेम रह गया, इसको आप डिलीट कर दीजिए,
अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ वाइट, यहाँ से क्लिक किया वाइट कर दिया मैंने। अब इस सर्किल को सिलेक्ट किया और वेक्टर आइकन को सिलेक्ट किया ताकि ये सेंटर करना है मेरे को, इससे हॉरिजॉन्टल सेंटर और इससे वर्टिकल। देखिए इससे लेफ्ट हुआ, आपको दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, जो बड़ा है उसको सिलेक्ट करना है, फिर सर्किल को सिलेक्ट करना है और आइकन को। सर्किल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ वेक्टर को सिलेक्ट किया, आपको लेफ्ट लाइन करना है लेफ्ट कर लीजिए, सेंटर करना है सेंटर, राइट करना है राइट। तो मैंने सेंटर किया, ऐसी वर्टिकली में किया मैंने, वर्टिकली सेंटर, ठीक है। और दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल जिसे ग्रुप बनाया इसका नेम मैंने कर दिया फोन डैश आइकन, कंट्रोल जी से कॉपी बनाई इसकी, इसको थोड़ा सा कॉपी हुई नहीं है अभी, ये रुकिए, कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी बनाई और मैं थोड़ा आगे इसका लेके आ गया, ठीक है। और इसका नेम मैंने, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डालना है यहाँ पर ईमेल का आइकन, इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से, और यहाँ पे हमने कर दिया इसका नेम ईमेल आइकन। आप मेक श्योर रहें कि आप हर लेयर में नेम ऐड करें ताकि आपको कोई भी दूसरा पर्सन काम करे तो उसका पता रहे कि कौन से आइकन है, नेम से पता चले उसको देखते साथ, ठीक है। राइट क्लिक किया, प्लगइन्स में गए हम, यहाँ पर प्लगइन्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पर गया हूँ मैं फोन टच, सॉरी, राइट क्लिक किया, प्लगइन्स में गए फोन टच आइकन, यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्लिक किया एनवलप, ठीक है। और यहाँ पर एनवलप पे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये एनवलप पे क्लिक किया, ये देखिए एनवलप यहाँ आ गया, एनवलप को मैं ईमेल के अंदर लेकर आ गया ड्रैग करके, और इसका जो फ्रेम है इसको डिलीट किया, और वैसे ही मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल सेंटर वर्टिकल सेंटर ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके ईमेल को थोड़ा आगे कर लिया, और इस आइकन का कलर मैंने वाइट कर लिया यहाँ पे। और आप शिफ्ट आर से मैंने रूलर ओपन किया चेक करने के लिए कि दोनों इक्वल अलाइन है या नहीं है, थोड़ा सा ही नीचे हो गया, इसको आप ऊपर कर लीजिए, ठीक है। रूलर मैं हटाता हूँ, शिफ्ट आर प्रेस किया रूलर हट गया। मैंने अब ईमेल आइकन और दोनों को साथ में सेंटर करना है, तो एक साथ में सेंटर नहीं होंगे देखिए, तो इनको ग्रुप बनाता हूँ मैं, कंट्रोल जी से मैंने इसका किया ग्रुप, एक्शन आइकन कर देता हूँ इनका नाम है, ठीक है। और यहाँ से किया ये सेंटर लाइन, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैंने कॉपी किया टेक्स्ट को यहाँ से, और एक हम बनाते हैं अब अबाउट का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया एक टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया टी से, और यहाँ पे हम करते हैं अबाउट, शिफ्ट आर प्रेस किया, रूलर ओपन किया रूलर अपना, और इसको थोड़ा अलाइनमेंट कर लिया हमने यहाँ से, और इसका फ़ॉन्ट साइज हम करते हैं 22, ठीक है, अबाउट। और हम थोड़ा सा लॉरम लिप्सम डमी टेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आपको बिल्कुल समझ आएगा एनिमेशन देखें, 2 मिनट का एनिमेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्लिक किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर ड्रैग किया, और इसका फ़ॉन्ट साइज मैंने कर लिया 16, और इसका कलर हमने कर लिया है यहाँ से 23, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट थोड़ी छोटी कर लेता हूँ मैं, और इसकी थोड़ी लाइन हाइट मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब देखेंगे 25 कर दी मैंने इसकी, ठीक है, लाइन है थोड़ी मैंने इसकी वो कर ली है ज़्यादा ताकि सही दिखाई दे। और अब यहाँ पर ये हो गया अबाउट का पार्ट, ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं ग्रुप बनाया, और इसको अबाउट में हर चीज़ ग्रुप में लेके चलिए आप, ठीक है, ताकि आपकी टीम को आसानी से पता चल जाए क्या है। और अब हम बनाते हैं एक बटन यहाँ पर, ठीक है, ऑटो फ्रेम भी, ऑटो लेआउट जो है मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा फीचर रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ठीक है। ये मैंने एक बटन यहाँ पे ड्रॉ किया, और इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको सेंटर किया, और टेक्स्ट बटन का कलर हम कुछ कर लेते हैं यहाँ पे डिसाइड, यही रख लेता हूँ बटन मैं फिलहाल, ठीक है। और टेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर किया बैक, वैसे ही जैसे दोनों को मैंने बताया कि सेंटर करना, दोनों को सिलेक्ट किया आपने, और इससे सेंटर किया और इससे वर्टिकली सेंटर कर दिया, और इसका कलर आपने यहाँ पर चेंज कर दिया,
सिंपल। और इसका बॉर्डर रेडियस ऐड करना है, डबल क्लिक किया है यहाँ पर और इसको अप कर दिया 12। और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं बार बार कहता हूँ ग्रुप बनाइए, कंट्रोल से ग्रुप बनाया, बैक बटन इसका नेम किया बैक बटन, और थोड़ा सा इसको ऊपर हम कर लेते हैं। तो डिज़ाइन हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है, देखिए कितना स्मूथ, कितना स्विफ्ट आर्ट है, मैंने इसका रूलर हटाया, कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है, नीट एंड क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मैंने इस पर क्लिक करने के बाद प्रोटोटाइप में मैं यहाँ से गया, यहाँ पे क्लिक कर देना आपको, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, अब ये मैं डिज़ाइन में था, ठीक है, मेरे को इससे लिंक करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पर पूरे, इसको प्रोटोटाइप में गया है यहाँ से, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मेरा कर्सर, देखिए यहाँ पर, और यहाँ से ये आपको प्लस आइकन दिखेगा, जैसे आप प्रोटोटाइप में जाओगे यहाँ प्लस का बटन दिखेगा, ये यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये पूछेगा ऑन टैप, आपको इसको ऑन टैप मतलब जब भी आपने उस पर टैप किया, ठीक है, नेविगेट टू कह रहा है। अब आपको यहाँ पे करना है स्मार्ट एनिमेशन, सिंपल कुछ नहीं करना, आपने ऑन टैप रखना है, नेविगेट टू ही रखना है इसको, और यहाँ पे स्मार्ट एनिमेशन रखना है। आगे आने वाली वीडियो में सारा और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट आपको सिंपल यहाँ पे अभी ये ध्यान देना है ऑन टैप, नेविगेट टू एंड स्मार्ट एनिमेशन। हम इसको प्ले करते हैं, आपको प्रोफाइल वाले पे फर्स्ट वाली स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ प्ले बटन पे आपको क्लिक करना है। और देखिए स्मूथली आया ना, अभी ऊपर का पार्ट आएगा, देखिए आप खाली क्लिक किया, नीचे अभी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसी है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है अभी, देखिए मैं थोड़ा सा 100% करके दिखाता हूँ इसको, देखिए नीचे अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो नीचे वाले को हमें मूवमेंट करने के लिए एज इट इज़, जैसे देखिए ये हमारे यहाँ क्या है, एक्शन बटन है, एक्शन बटन के बाद हमारा अबाउट, शिफ्ट के साथ अबाउट को सेलेक्ट कीजिए और बैक को भी सेलेक्ट कीजिए, आप तीनों को सेलेक्ट कीजिए, देखिए बैक बटन को सेलेक्ट किया मैंने, अबाउट को सेलेक्ट किया, एक्शन बटन, ठीक है, ये तीनों सेलेक्ट हो गए हैं। कितना पार्ट हमारा एनिमेट हो गया रहा है, ये देखिए हमारा ये पार्ट एनिमेट हो गया रहा है, तो हमें इन तीनों को एनिमेट करना है, तो शिफ्ट के साथ, सॉरी तो शिफ्ट के साथ आप इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए कंट्रोल सी, और अपने फर्स्ट वाले फ्रेम में जाने के बाद फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए आप, और क्लिक कर दो कंट्रोल बी से पेस्ट कीजिए, ये देखिए एज इट इज़ उसी पोजीशन पे आया है, बट ये फ्रेम फर्स्ट पे आ गया है, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोफाइल वाले पे आने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको एक एक करके इनका लेयर जो ये है पास थ्रू, इसको जीरो कर देना है आपको, तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ऐसे अबाउट को क्लिक करना है और इसका पास थ्रू यहाँ पे जीरो कर देना है, और इसी टाइप से आपको बैक बटन का भी यहाँ पे पास थ्रू जीरो कर देना है। बट आपको भी पास थ्रू कंट्रोल ऐड करता हूँ मैं, पास थ्रू करने से पहले आप तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेना, आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना तीनों को, जहाँ पे आपका वहाँ है वहाँ से नीचे कर लेना इसको, ठीक, ताकि वो नीचे रहेगा तो जैसे ही वो स्क्रीन आएगी ऐसे स्लाइड होकर ऊपर आएगा, ठीक है। अब आपको इसका पास थ्रू अब जीरो कीजिए, देखिए यहाँ पे ऊपर है यहाँ नीचे है, अब इसका पास थ्रू यहाँ पे आप जीरो कीजिए, मतलब ये दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे जीरो हो गया इसका, ठीक है। और अब चलते हैं हम इसको, मैंने इसको सेव किया और अब हम रन करके देखते हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक किया प्रोफाइल पेज और इसको रन करते हैं, वो देखिए नीचे से एनिमेट हो गया रहा, देखो मैं बैक करता हूँ, देखा कितना स्मूथली है, कितना इजी था, कुछ भी समझना आप कमेंट करके मेरे से पूछे, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, देखिए इसको 100% मैं एक बार करता हूँ, ये देखिए ठीक है, और इसको छोटा ही करता हूँ मैं, और ये देखिए बैक करता हूँ। अब हमें क्या करना है, बैक बटन पे हमें वापस जाना है एनिमेट को, ठीक है, तो मैंने बैक बटन पे क्लिक किया, सेम वही चीज़ प्रोटोटाइप में आप आएंगे, यहाँ प्लस बटन शो होगा आपको, बैक कर दीजिए इसको, स्मार्ट एनिमेट रखिए यहाँ पे, ऑन टैप नेविगेट टू स्मार्ट एनिमेट, यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट रखिए और काम हो गया, एनिमेशन हमारा रेडी, देखिए ये क्लिक किया, ये देखिए। तो इस टाइप से आप सिंपल एनिमेशन आप बना सकते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारे एनिमेशन आप देखने वाले हैं, और बहुत अब मैं मोबाइल ऐप्स भी डिज़ाइन करने वाला हूँ, सॉरी मोबाइल ऐप भी डिज़ाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ, UX में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है,
ट्राई करता हूँ वीक में 2 से 3 वीडियो आए, ठीक है। अब कंटिन्यू मैं रहना चाहता हूँ वीडियोस में, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी रहती है कमेंट करके मेरे से पूछेगा, और आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाय, टेक केयर।